हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ विवेक। आप देख रहे हैं शर्मा जी ब्रदर्स। तो मैं ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए इसलिए लेके आया हूँ ताकि मैं आप लोगों को बता पाऊँ कि आप अपने लैपटॉप के डाटा को कैसे सेव कर सकते हैं। तो कभी कभी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपके लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम आ गया है या आपके डेस्कटॉप में कोई प्रॉब्लम आ गया है, तो आपके जो पर्सनल डाटा है वो बिल्कुल ही उस लैपटॉप में या उस डेस्कटॉप में रह जाते हैं। और जब हम उसके ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करते हैं तो वो डाटा कई बार इरेज हो जाते हैं, तो हमें प्रॉब्लम होती है, हमारे बहुत सारे डाटा डिलीट हो जाते हैं। तो अगर आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप ख़राब हो गया है, उसके बाद भी आप अपने डाटा को कैसे सेव कर सकते हैं, आप उसका बैकअप कैसे रख सकते हैं, उस बारे में मैं ये वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के बीच। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये मेरा लिनोवो का लैपटॉप है और इसमें एक सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम के कारण इसका ओएस करप्ट हो गया है। तो ओएस करप्ट होने के कारण मेरे पर्सनल सारे डाटा इसी लैपटॉप में हैं, बट मैं उन्हें एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये लिनोवो का लैपटॉप है, मॉडल नंबर है इसका G580। जी हाँ, तो इससे आप कैसे अपने डाटा को सेव कर सकते हैं बंद लैपटॉप में भी, ख़राब लैपटॉप में भी, उस चीज़ को मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमें इसका हार्ड ड्राइव बाहर निकालना होगा, क्योंकि हम सबको पता है कि हमारे जो सारे डाटा सेव होते हैं वो हार्ड ड्राइव में सेव होते हैं। तो वो कहाँ पर होता है मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम इसे टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको इसका बैक पैनल कैसे ओपन करना है। तो सबसे पहले आपको ज़रूरत होगी एक स्क्रू ड्राइवर की। तो ये देखिए, आप इस तरीके का स्क्रू ड्राइवर यूज़ कर सकते हैं, और ये देखिए आप इसके हिसाब से, तो ये जो हमारा स्क्रू ड्राइवर है, आप इसके हिसाब से अपने जो स्क्रू होती है उसके हिसाब से यूज़ कर पाएंगे। तो मैं इसे यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ। कनेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे दो स्क्रूज़ हैं, तो इसको यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। तो मैंने आपके टाइम बचाने के लिए इन्हें पहले ही ओपन करके रख लिया है। तो मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि एक यहाँ पे इसे आप ओपन कर लीजिएगा बड़ी आसानी से, और इसे इस तरीके से निकाल लीजिएगा। तो जैसे ही हम इसे निकाल लेते हैं, मैं इसे साइड में कर लेता हूँ ताकि मैं आप लोगों को लैपटॉप अच्छे से दिखा पाऊँ। तो ये देख सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा लैपटॉप ओपन हो गया है। तो ये हमारा हार्ड ड्राइव है, तो इसे भी हमें ओपन करके बाहर निकालना है ताकि हम इसके डाटा को एक्सेस कर पाएँ। तो ये हमारा हार्ड ड्राइव है। तो आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पर भी आपको 2 स्क्रू मिल जाएंगे, एक यहाँ पर मिल जाएगा 1 और यहाँ पर मिल जाएगा 2। तो मैंने इसे भी ओपन कर लिया है आपके टाइम बचाने के लिए। उसके बाद आपको सिंपली ये करना है कि आपको इस हार्ड ड्राइव को इस तरीके से होल्ड करना है और अपनी तरफ, यानी इस तरफ इसे धीरे से स्लाइड करना है। तो जैसे आप स्लाइड करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे से ये रिमूव हो चुका है लैपटॉप से, और इसे आप बड़े ही सावधानी से ध्यान से उठा के बाहर निकाल लीजिए। ये देखिए, तो ये हमारा हार्ड ड्राइव पूरी तरीके से निकल चुका है बाहर। आई होप आपको दिख रहा होगा बड़े अच्छे से। तो ये मेरा 500 GB का हार्ड ड्राइव है। तो अब ये ओपन हो गया। उसके बाद आपको सिंपली ये करना है कि ये जो होल्डर आपको दिख रहा है, ये मेटल का होल्डर आपको यहाँ से रिमूव कर लेना है। तो यहाँ पर भी आपको 4 स्क्रू मिल जाएंगे, एक यहाँ पर मिल जाएगी, देखिए एक यहाँ पर, आई होप आपको दिख पा रहा होगा जूम फोकस करने के बाद, ये यहाँ पे मिल जाएगी, एक यहाँ पे मिल जाएगी जो मैंने पहले ही ओपन कर लिया है टाइम बचाने के लिए, और एक यहाँ पे मिल जाएगी, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगी, और एक यहाँ पे दिख जाएगी। तो ये सारे ओपन कर लेंगे। तो 2 मैं ओपन कर लेता हूँ आपके सामने ही, आपको दिखा पाऊँ ताकि। तो ये देखिए, मैंने यहाँ से इसे बड़ी आसानी से ओपन कर लिया है। ये देखिए, मैं इसे संभाल के रख देता हूँ ताकि मुझे ये वापस दोबारा यूज़ करना पड़ेगा, और इसे भी हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। तो जैसे मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, ओपन करने के बाद आप देख पाएंगे कि ये हार्ड ड्राइव बिल्कुल अलग तरीके से, ये देखिए ये बाहर निकल चुका है। ये हमारा मेन हार्ड ड्राइव है, आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो ये हमारा मेन हार्ड ड्राइव है, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। तो इसे भी हम साइड में कर लेते हैं, और इसे पूरे लैपटॉप को मैं साइड में कर लेता हूं, और आपको सबसे पहले बताता हूं कि इस हार्ड ड्राइव को आप यूज़ कैसे कर पाएंगे। तो ये सब हटाने के बाद, तो उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी इस डिवाइस की। तो आप देख सकते हैं, ये जेबियन का, मैं आपको फोकस करके दिखाता हूँ, जेबियन का 2.5 साटा इंटरनल केस है। तो ये आपको 2.5 DDR एक्सटर्नल केस मिलेगा। तो इसके थ्रू आप अपने हार्ड ड्राइव को इसमें लगाकर, ये देखिए ये हमारा हार्ड ड्राइव है, मैंने आपको पहले ही दिखाया है। तो इस हार्ड ड्राइव को आप लगाकर इसे डिटेक्ट कर सकेंगे अपने सेकंड लैपटॉप में। तो मैं आपको बता दूंगा, तो उससे पहले मैं कुछ चीज़ें बता दूँ आपको। यहाँ पर देख सकते हैं जेबियन का टेरा टोर्स, और यहाँ पर है 2.5 HDD एक्सटर्नल केस। यहाँ पे आपको मिल जाएगा ड्राइवलेस, सुपर स्लिम, इजी टू कैरी, एंड DC आउटपुट आपको मिल जाएगा 5 वोल्ट और 12 वोल्ट का, और यहाँ पे आपको मिल जाएगी 1 ईयर की वारंटी। इसकी प्राइस मेरे को पड़ी थी मार्केट में
380 रुपीज़ आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मिड गया है। ये आपको आराम से ऑफलाइन ऑनलाइन मिल जाएगा, और ये अलग अलग मॉडल के आते हैं, अलग अलग ब्रांड के आते हैं, फिर भी आपको ये 400-500 के बीच में बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। तो मैं आपको इसे ओपन करके दिखा देता हूँ, तो इसकी अनबॉक्सिंग कर देते हैं हम। तो ये सबसे पहले इसे हम यहाँ से ओपन कर लेंगे, ओपन करने के बाद हम देखेंगे कि हमको यहाँ पर, ये देखिए सबसे पहले हमारा मिल जाएगा यहाँ पे हमको हार्ड ड्राइव, सेकंड बात करें तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा डाटा केबल। तो ये हमारा दोनों ही काम की चीज़ें हैं, बाकी तो इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं मिली थी मुझे, तो इसे हम कर देते हैं साइड में। और इसे साइड में करने के बाद मैं आपको इसे दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं इसमें भी वही सेम चीज़ लिखी है, ज़ेवियॉन 2.5 साटा एक्सटर्नल केस। तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से है, और ये बहुत ही लाइट वेट है, और ये कम्प्लीटली प्लास्टिक का है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको पोर्ट मिल जाएगी, यहाँ पे आपको एक एलईडी लाइट मिल जाएगी, आई होप आपको अच्छे से दिख रही होगी, ये देखिए। तो ये आपके कैसे काम करने वाली बता दूं, और इसे आप बड़ी आसानी से ये देखिए यहाँ पे से पकड़कर ओपन कर सकते हैं, आपको दिख रहा होगा ये देखिए। तो यहाँ पर कटआउट से आप इसे इस तरीके से धीरे से ओपन कर पाएंगे। ओपन करेंगे तो हमको यहाँ पे मिल जाएगी एक प्लेट, ये जो प्लेट है यही मेन प्लेट है, यही आपके हार्ड ड्राइव को रीड करेगी। तो मैं आपको इसे कैसे यूज़ करना है बता देता हूँ। तो हम अपना हार्ड ड्राइव ले आएंगे, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको हार्ड ड्राइव के कनेक्टर्स मिल जाएंगे, ये कनेक्टर्स को आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो आपको सिंपली इसे धीरे से बड़ी आसानी से बड़ी सावधानी से ये देखिए आप इसे यहाँ पर क्लिक करके लगा दीजिए। तो ये पूरा प्रॉपर लग गया है, और ये बहुत ही अच्छे फिनिश के साथ बैठ गया है, आप देख सकते हैं कम्प्लीटली। उसके बाद आप इसके कवर को लगा दीजिए, ताकि आपका हार्ड ड्राइव कम्प्लीटली सेव हो जाए किसी भी तरीके के चोट से या फिर डस्ट से। तो आप देख सकते हैं ये हमारा केस पूरी तरीके से हमारे हार्ड ड्राइव को कम्प्लीटली पैक कर दिया है, और ये बहुत अच्छी तरीके से पैक हो गया। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी हमारे केबल की, तो हम अपने केबल को लेंगे और इसे यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कनेक्टर है, हम इसे यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी एक अदर कंप्यूटर की या लैपटॉप की, तो मैं आपको अपना सेकंड लैपटॉप ला के दिखा देता हूँ। तो मैं अपना सेकंड लैपटॉप ले आता हूँ, तो ये रहा मेरा सेकंड लैपटॉप, ये भी मेरा लिनोवो का ही लैपटॉप है, तो आप देख पा रहे होंगे। तो ये मेरा लिनोवो का ही लैपटॉप है, इसका मॉडल नंबर G50 है। तो मैं इसे कैसे रीड करना है आपको बता दूं, तो ये रहा हमारा हार्ड ड्राइव, ये देखिए, और इसे मैं यहाँ पे कनेक्ट करने वाला हूँ। तो इसे आप अपने USB पोर्ट में ये देखिए यहाँ से बड़ी आसानी से कनेक्ट कर पाएंगे। तो जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे आपका यहाँ पे LED लाइट ऑन हो जाएगी, आप देख सकते हैं टोन भी बच चुका है, इसने मेरे हार्ड ड्राइव को ये देखिए लोकल डिस्क ऐप को ये डिटेक्ट कर चुका है। लेकिन मैं इसको रिमूव करके आपको फिर से दिखा देता हूँ। तो मैंने इसे रिमूव कर दिया है, ये देखिए मैंने इसे रिमूव कर दिया, और हम चलते हैं माई कंप्यूटर की तरफ। तो ये देखिए आपको मैं स्क्रीन दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए, तो ये रहा मेरा एरो, और एरो है मेरा माई कंप्यूटर की तरफ, और मैं इसे टैप करके ओपन कर लूँगा। तो जैसे ही मैं ओपन करूँगा आप देख पाएंगे मेरे पास यहाँ पर 4 ड्राइव दिख रहे हैं, जिसमें से 3 ड्राइव मेरे लोकल ड्राइव है और एक DVD ड्राइव है। तो DVD ड्राइव को अलग करने के बाद मेरे पास 3 ड्राइव है, उसमें है मेरे पास न्यू वॉल्यूम D और न्यू वॉल्यूम E। तो ये आप देख सकते हैं D और E मेरे पास पहले से अवेलेबल है। तो ये तो हो गए मेरे खुद के लैपटॉप के हार्ड डिस्क के हार्ड ड्राइव के लोकल न्यू लोकल D और E, ठीक है। तो ये लोकल ड्राइव हो गए मेरे, अब मैं इसे कनेक्ट करने वाला हूँ। तो जैसे ही मैं इसे कनेक्ट करूँगा आप देखिए यहाँ पर, तो देखिए मैं फोकस करने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए। तो जैसे ही मैं इसे यहाँ पर कनेक्ट करूँगा ये देखिए, तो यहाँ पे मेरी LED लाइट ऑन हो जाएगी, आप देख सकते हैं, और ये मेरे हार्ड ड्राइव को रीड करने के लिए लोडिंग लेने लग जाएगा। तो ये देखिए रीड करने लगा है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, कई बार ये रीड करने के लिए टाइम लेता है, ये देखिए बार बार। मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, मैं इसे अपने सेकंड वाले पोर्ट पे कनेक्ट कर लेता हूँ, कई बार पोर्ट लूज़ हो जाते हैं, उसके कारण भी आपको प्रॉब्लम होगी। तो आप श्योर हो जाइए कि आपका पोर्ट सही तरीके से लगा होना चाहिए, ये देखिए लोकल डिस्क ऐप जो है रीड हो गया, ये देखिए मेरा G और H दोनों रीड हो गया, ये रेड कलर में है, क्योंकि मेरा ये वाला हार्ड ड्राइव काफ़ी ज़्यादा डाटा रखा हुआ है, इसलिए ये पूरी कम्प्लीटली आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो ये देखिए आपको ये दोनों ड्राइव बड़ी आसानी से आप रीड कर पाएंगे। तो जैसे ही मैं इसे H को ओपन करूँगा, तो
तो मेरे सारे डाटा, मेरे सारे फाइल आपको यहाँ पे दिख जाएंगे बड़ी आसानी से। मैं इस आइकॉन से बड़े कर देता हूँ ताकि आपको अच्छा आसानी से दिख पाए। ये देखिए तो मेरे सारे डाटा यहाँ पर आ गए हैं। मैं अपनी माई पिक्स को क्लिक करूँगा, तो जैसे ही मैं अपनी माई पिक्स को क्लिक करूँगा तो ये देखिए मेरे सारे फोटोज़ यहाँ पर आ गए हैं। तो मैं आपको फिर से दिखा दूँ, ये देखिए मैं यहाँ से बाहर निकल गया हूँ। फिर मैं चाहूँगा माई कंप्यूटर की तरफ, देखिए दिस पीसी की तरफ, मैं इसे ओपन करूँगा। ओपन करूँगा तो ये देखिए मेरे न्यू वॉल्यूम डी और ई, ये तो मेरे लोकल हैं जो मेरे ही लैपटॉप के हैं। यहाँ पे मेरे पास एफ आ गया है, जी आ गया है और एच आ गया है। तो ये मेरे जो तीनों लोकल डिक्स हैं ये मेरे हार्ड ड्राइव के हैं जो मैंने अभी कनेक्ट किया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जी ओपन कर लूँगा। जी ओपन करने के बाद मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि यहाँ पे मेरे सारे डाटा बिल्कुल अच्छी तरीके से अवेलेबल हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास मेरे गेम के फोल्डर हैं, मेरे फ़ोन के फोल्डर हैं, मेरे एप्लीकेशन के फोल्डर हैं, माई पीसी के फोल्डर हैं। तो ये सारे फोल्डर मेरे पास हैं और सारे के सारे ऐप और सारे के सारे डाटा मेरे पास अवेलेबल हैं। तो मैं इन्हें आसानी से इन्हें अपने अपने पीसी के लोकल ड्राइव में कॉपी कर सकता हूँ। मैं एक चीज़ आपको कॉपी करके भी दिखा देता हूँ। जैसे ये मान लो ये केएम प्लेयर का मेरे पास सेटअप है, तो मैं सेटअप को यहाँ से कर लूँगा कॉपी। आप देख सकते हैं, ये देखिए थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखा देने वाला हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए ये कॉपी आप देख पा रहे होंगे ये एरो के निशान के पास। तो ये कॉपी पे मैं टैप करूँगा, ये कॉपी हो गया। अब उसके बाद मैं यहाँ से जाऊँगा वापस बाहर आपको अच्छे से दिखाने के लिए। फिर से मैं जाऊँगा दिस पीसी में, दिस पीसी ओपन करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मेरे लोकल डी वाले फोल्डर में मैं चले जाऊँगा जो कि मेरे लैपटॉप का है। और मैं यहाँ जाने के बाद इसे आपको माई पीसी सॉफ्टवेयर में चले जाऊंगा और यहाँ पे जाने के बाद इसे पेस्ट करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने ये क्लिक किया और मैंने यहाँ पे इसे पेस्ट कर दिया। तो ये यहाँ पे रिप्लेस का ऑप्शन आ गया और स्किप का ऑप्शन आ गया क्योंकि यहाँ पे पहले से अवेलेबल है। तो मैं इसे सिंपली बोथ फाइल को क्लिक कर दूंगा, कंपेयर इन्फॉर्म फॉर बोथ फाइल, और ये दोनों के बारे में मुझे बता रहा है यहाँ पे देखिए। तो मैं एक को सेलेक्ट कर लूँगा जो मैंने अभी अभी ही कॉपी किया है। तो मैं इसे सेलेक्ट करने के बाद इसे कंटिन्यू कर दूंगा, ये देखिए, और ये मेरा कॉपी हो गया। तो ये बड़ी आसानी से आप अपने जो डाटा हैं उनको इस तरीके से इस साटा केबल के हार्ड ड्राइव के मदद से आप बड़ी आसानी से अपने डाटा को सेव कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं और अपने हार्ड ड्राइव को एज अ एक्सटर्नल केस में एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव की तरह भी यूज़ कर पाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे और मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, इसलिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि मैं रोज़ाना आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू।